हरे कृष्ण ओम ज्ञान तिमिरामृतस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च परिपतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महाबलाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत श्री राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिभ्ये वृंदाय तुलसीदत्तये प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रददेवी सत्यवतये नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला पर विष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल अनंत कोटि गौ साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला पर विष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम करते हैं। हरे कृष्णा। आप लोग बता सकते हो जीव का नित्य धर्म क्या है? क्या है वस्तु का स्वभाव? क्या वो है? हाँ, इसलिए प्रेम ही जीव का नित्य धर्म है। कल हम लोग ने सुना था कहते जो जीव की दो अवस्थाएं क्या? हाँ, एक बद्ध अवस्था है और एक है मुक्त अवस्था है। इसलिए इसलिए इसको ऊपर में ना कुछ प्रश्न और कुछ उत्तर है इसको ऊपर में। इसलिए कल इसको सब पढ़ करके आना। जो 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 द्वितीय अध्याय है उसको हम प्रश्न करेंगे। तुम लोग बहुत अच्छे तरह से पढ़ करके खुद भी क्वेश्चन आंसर बना करके ला सकते हैं। उसमें प्रश्न किया और उत्तर किया, उसमें प्रश्न किया और उत्तर किया है। ठीक है, कोशिश करना जितना पढ़ रहे हैं उतना को अच्छे तरह से समझने के लिए। कहते जीव जब तक शुद्ध रहता है तभी तक उसे स्वधर्म का अभिमान रहता है।
वास्तव रूप में जीव का स्वधर्म का अभिमान कब तक रहता है, जब तक जीव शुद्ध अवस्था में रहता है उस समय अपने आप को क्या समझता है, कहते उसी समय ये समझता है, कहते कृष्ण दास समझकर अभिमान करता है, अपने आप को ये अभिमान करता है मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ, मैं सेवक रघुपति प्रतिमर, केवल यही एक अभिमान और कोई अभिमान उसके अंदर में नहीं रहता। किंतु जब माया के संबंध में अशुद्ध होते ही वो अभिमान संकुचित होकर के भिन्न भिन्न आकार धारण करता है। लेकिन ये कब कब भिन्न भिन्न आकार धारण करता है, जब जीव ये माया के संबंध में अशुद्ध हो जाता है, उसको कितने तरह का अभिमान, अलग अलग उसके अंदर में अभिमान। इसलिए कल हम सुन रहे थे पिशाच पायल जन्मति छर्ण है, माया ग्रस्त जीव रहे से भाव, जब किसको भूत पकड़ लेता है ना, फिर वो जो व्यक्ति वो अपना परिचय नहीं देता है, सारे भूत का परिचय देता है, हमको गांव के में था, ऐसे मर गया था, ऐसे प्रेतात्मा हो रहा हो करके था, ये बाल बिखरा करके खोल करके जा रहे थे। इसलिए नियम है हमारे हिंदू धर्म में, जो माताएं हैं ना बाल को खोलती नहीं है, बाल को नहीं खोल कर रखती थी, पहले खोल कर नहीं रखती थी ना, अभी वो खोल कर नहीं रखती है, क्योंकि हम भागवत में पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे, जिस समय दिति ने बाल को खोल कर रख दी, अरे इंद्र और ढूंढ रहा था, उसको पता चला इसके गर्भ में हमारे शत्रु रह रहे हैं, किसी तरह से उसको मारना चाहिए, मार देनी चाहिए, इसलिए इंद्र ने क्या किया, दिति को पास में रह गया, कल मैं तुम्हारी सेवा करूँ, सेवा करने का भावना नहीं थी, वो भावना थी इसकी अंदर में कुछ दोष मिले, बास को दोष देखते ही उसको पेट में जो बच्चा मैं इसको ख़त्म कर डालूँ। इतने में एक दिन उसने क्या कि केस को खोल करके सो गए और झूठे मुँह में। इसलिए नियम है जब कोई चीज़ हम खाते हैं खाने के बाद जरूर मुँह धोनी चाहिए, मुँह नहीं धोना इसको अपवित्र मानी जाती है, खाने के बाद जरूर मुँह धोया करो हैं, और बाल को कभी भी खोल करके नहीं रखनी चाहिए। बस इतना दोष देख लिया, उसको इंद्र ने प्रवेश किया, उसका जो पेट में बच्चे थे ना उन्होंने 49 टुकड़े कर दिए, 49 टुकड़े उसने कर दिए। फिर जब उन्होंने जन्म हुए वो 49 टुकड़े बन कर जन्म हुए, पहले 49 मर्तगण बने, लेकिन दित्य ने देखा इंद्र तक गर्भ में प्रवेश करके उसको 49 टुकड़े कर दिया, और मेरे बच्चे खो गए, जन्म लेने पर भी छोड़ेगा नहीं, मारेगा ही। फिर उन्होंने इंद्र की शरणागति में उसको दे दिया, इंद्र की हाँ अनुगत्य में दे दिया, वही हो गए 49 मर्तगण हो गए, हाँ मर्तगण 22। इसलिए यहाँ पर कहता है कि जिस समय में वो शुद्ध रहता है अपने आप को केवल एक परिचय देता है मैं कृष्ण दास हूँ, लेकिन जब माया के संबंध में अशुद्ध होते ही कितने तरह की उसके कितने तरह की झूठा उसने अभिमान करके झूठा झूठे परिचय देता है, बोले क्या क्या परिचय देता है, कहते माया की संबंध से जीव का शुद्ध स्वरूप लिंग देह और स्थूल देह से आवृत होता है। कहते हैं जो माया की संबंध मतलब क्या है, बोले माया के संबंध में जीव को जो जीव का जो शुद्ध स्वरूप, कहते ये दो शरीर को द्वारा ये ढक देते हैं, बोले क्या है, बोले एक है लिंग शरीर और एक है स्थूल शरीर, क्या है एक है लिंग शरीर और एक स्थूल शरीर को द्वारा वो आत्मा को ये ढक देती हैं। कहते ये स्थूल शरीर लिंग शरीर मतलब क्या है, हैं कहते जो लिंग शरीर है, कहते उसको लिंग शरीर कहते हैं जो शरीर हमें नहीं दिखता है, वो क्या है, कहते मन बुद्धि अहंकार और चित्त, मन बुद्धि अहंकार चित्त ये हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन ये चीज़ है कि नहीं है, लेकिन हमें ये चीज़ दिख नहीं रहा है। लेकिन स्थूल शरीर किसको कहते हैं, जो शरीर ऊपर से दिख रहा है, कहते ये माया क्या करती, जब जीव भगवान की सेवा छोड़ करके, जब भगवान पूछते बताओ क्या करोगे, मेरी सेवा ना माया की सेवा, बोले माया की हम सेवा करेंगे, बोले जाओ डंडे खाओ देखो माया में क्या आनंद देखो तुम जा करके, बस उतने में क्या करती उसको है आवरण आत्मिक और विक्षेप आत्मिक,
आवरण आत्मिक मतलब होता है, पहले ये आत्मा को ये ढक देता है ये लिंग शरीर को द्वारा, फिर उस कहते उसके बाद में फिर स्थूल शरीर से क्या विक्षेप, विक्षेप मतलब है उसको एकदम इतने जोर से माया उसको फेंकती है, फिर हम इसी माया की जगत में फिर हम आ जाते हैं और आ करके संपूर्ण रूप में हम अपना स्वरूप को संपूर्ण भूल जाते हैं। अभी अपना अपने आप पूछो क्या भूलेगा, बोले ये मेरे बाप है, ये मेरी माँ है, ये मेरी भैया है, ये मेरी भाभी है, ये मेरी परिवार है, ये मेरी दुकान है, ये मेरी मकान है, पता नहीं कितना 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 किताब पर, जैसे भूत हैं, जैसे वो भूत अपना परिचय देता है ना, हैं मैं अमुक जगह पर था, ये हुआ वो हुआ, वो असली परिचय नहीं देता है, नकली परिचय देता है। हम अभी जितने सब परिचय दे रहे भाई बंधु परिवार, ये क्या है, ये सब नकली परिवार, ये सब के साथ हमारी नकली परिचय है, ये हमारे कोई परिचय नहीं। जैसे पागल जैसे बकवास करता है ना, कहते हम सब पागल हैं, हैं सबके सब एक एक पागल है, पागल होकर के झूठे परिचय को ही अपना परिचय हम समझ रहे हैं, लेकिन ये हमारा कोई भी हमारी ये परिचय नहीं, केवल हमारी एक ही परिचय है जिगर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हम सबके सब एक ही परिचय भगवान का दास है। कि जब तक इसी में प्रतिष्ठित नहीं हो जाएंगे बस, तब तक क्या होगा कि संसार चक्र में भटकते रहेंगे और माया के डंडा खाते रहेंगे और संसार में दुखी होते रहेंगे, हैं। इसलिए बोले क्या करनी चाहिए, इसको पार करने के लिए निकलने बोले चेत दर्पण मार्जना, बस ये चित्तरूपी दर्पण को साफ करो, हैं। कपड़ा अगर गंदा हो गया तो उसको साबुन सर्फ से तो साफ कर देते हैं, लेकिन जो मन गंदा हो गया ये कैसे साफ होगा, बोले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर कहते हैं कि ये लिंग देह स्थूल देह से आवृत होकर के क्या होते हैं, पल तब लिंग शरीर का एक अलग अभिमान उदित होता है, हैं जो मन बुद्धि अहंकार चित्त इसका एक अलग अभिमान है, हैं होता है, फिर वही अभिमान फिर स्थूल देह के अभिमान में मिल कर के तृतीय अभिमान का रूप धारण करता है। जब आत्मा को मन बुद्धि अहंकार से ढक देता है वो अलग एक अभिमान, लेकिन जब ये ऊपर का जो शरीर दिख रहा है जब इससे ढक जाता है फिर वो क्या देता है, फिर उन्होंने और एक अलग अभिमान को परिचय देता है। शुद्ध शरीर में जीव केवल कृष्ण का दास, लिंग शरीर में जीव अपने को स्वकर्म फल का भोक्ता समझने लगता है। कहते लिंग शरीर मतलब मन बुद्धि अहंकार और चित्त, इसको द्वारा ढकने से जीव अपने आप क्या परिचय देता है, कहते जीव अपना को स्वफल स्वकर्म फल का भोक्ता समझता है, हैं अपना कर्म फल का मैं भोक्ता हूँ, हैं इसलिए करने वाला मैं हूँ, हैं करने वाले मैं हूँ, भोक्ता मैं हूँ। कहते लिंग शरीर में जीव स्वकर्म, और कहते उसी समय कृष्ण दास्य का अभिमान लिंग देह के अभिमान से ढका रहता है, लेकिन जीव जो स्वरूप कृष्ण का नित्य दास उसको समय ये ढका रहता है। कहते फिर स्थूल देह प्राप्त करके जो ऊपर से शरीर दिख रहा है ये स्थूल देह को जो प्राप्त करता है फिर क्या समझता है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं राजा हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं ये स्वरोग द्वारा मैं अभिभूत हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं अमुक का स्वामी हूँ, इस तरह के स्थूलाभिमान के साथ वो अपना परिचय देता है। ये सब जो परिचय इधर उधर का जो परिचय है ये स्थूल शरीर को द्वारा आवृत होने पर जीव ये परिचय देता है, लेकिन अपने आप को ये नहीं कहता है मैं कृष्ण का दास हूँ, कृष्ण का मैं दास ये परिचय ये नहीं देता है, ये अलग अलग सब परिचय देता है। उस समय हम सबके सब पागल हैं, है? पागल हैं, पागल होकर के संसार में हम घूमते रहते हैं। इसी प्रकार के मिथ्या अभिमान से युक्त होकर जीव का स्वधर्म विकृत होता है, विशुद्ध प्रेम ही जीव का स्वधर्म, सुख दुख राग द्वेष आदि के रूप में वही प्रेम
विकृत भाव से लिंग शरीर में उदय होता है, इसलिए कहते उसी समय में हम अपने आप को मिथ्या अभिमान हो करके हम लोग विकृत हो गए। अभी हम क्या पहले थे पानी, अभी पानी से अभी बन के बर्फ बन गए, और अपने आप को परिचय क्या देते हैं, हम बर्फ हैं, हम बर्फ है, लेकिन भूल गया हम पानी हैं। मतलब हम भगवान के नित्य दास, हम ये सबके सब, हम सबके सब भूल गए हैं। अभी विशुद्ध प्रेम ही तो जीव का धर्म है, लेकिन अभी ये क्या करता है, सुख दुख संसार में, कभी सुख है कभी दुख है। कहते हैं ना एक पेड़ में दो चिड़िया बैठे हैं, हैं दो चिड़िया, एक चिड़िया तो खट्टा मीठा फल को खाता है और एक चिड़िया क्या करता है, तटस्थ रूप में केवल देखता रहता है, हैं। इसलिए सुख दुख, ये जो सुख दुख मतलब कभी खट्टा फल को खाता है कभी मीठा फल को खाता है, लेकिन जो परमात्मा है कहते इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं, वो केवल साथी रूप में देखते रहते हैं ये जीव क्या करता है। इसलिए कहते राग और द्वेष तरह तरह का, उसके प्रति ईर्षा, उसके प्रति हिंसा तरह तरह का, क्यों, चूँकि ये शरीर में आबद्ध हो गए। लेकिन जो महाभागवत लोग हैं, वैष्णव लोग हैं, कहते ये इसकी चक्कर में नहीं पड़ते, ये इसके ऊपर उठ जाते हैं, उनका सुख भी नहीं है, उनका दुख भी नहीं, किसका प्रति राग भी नहीं, किसका प्रति उनका द्वेष है, हिंसा छल प्रपंच ये सब चीज़ जिनकी है नहीं, कि वो शुद्ध विशुद्ध आत्मधर्म में प्रतिष्ठित है। जैसे श्री सुखदेव गोस्वामी हैं, सुखदेव गोस्वामी बास नंगे धड़ंगे चल रहे हैं, किसको प्रति कोई भ्रुकिया बने हैं, बच्चे धूल झोंक रहे हैं, हैं उसके प्रति बच्चे धूल झोंक रहे हैं, हाँ हाँ है कर रहे, लेकिन कोई उनको कोई भ्रुकिया भी नहीं है। इसलिए कहते रूप में वही प्रेम विकृत भाव में लिंग शरीर में उदय होता है। कभी ये क्या करता है कि सुख दुख राग द्वेष में कभी ये लिंग शरीर के ऊपर में अपना उदित होता है। भोजन पान और जड़ संग सुख रूप वह विकार अधिकतर घनीभूत होकर के स्थूल शरीर में दिखाई देता है। पहले तो लिंग शरीर में ये चीज़ें आ गया है, क्या आ गया, सुख दुख राग द्वेष, लेकिन फिर जब जा करके कहते विकृत भाव से जब लिंग शरीर उधर भोजन पान और जड़ संग सुख रूप व विकार अधिकतर घनीभूत होकर के स्थूल रूप में दिखाई पड़ता है, उसको तो ढक दिया एक लिंग शरीर को, लेकिन जब स्थूल शरीर को में हम आ गए उस समय में जैसे शरीर है, शरीर रहेगा तो इसको भोजन देना ही पड़ेगा, पानी पीना ही पड़ेगा, है उसको शरीर को जो जरूरत है, अगर भोजन नहीं करोगे तो क्या होगा, बोलो, भोजन नहीं करोगे तो अगर पानी नहीं पियोगे तो क्या होगा, राम नाम सत्य हो जाएगा। इसलिए फिर जड़ संग से कभी सुखी होता है कभी दुखी होता है, कहते यही विकार अधिकतर घनीभूत होकर के स्थूल शरीर में दिखाई देता है। यह बहुत घनीभूत होकर के क्या करता है, ये शरीर में दिखाई देता है। कहते आप देखिए जीव का नित्य धर्म केवल शुद्ध अवस्था में ही प्रकाश होता है, लेकिन जीव का जो शुद्ध धर्म किसी अवस्था में प्रकाश होता है, केवल शुद्ध अवस्था में ही प्रकाश होता है। मतलब जीव जब अपने आप को समझ लेता है मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ, यही इसका शुद्ध धर्म है। लेकिन बद्ध अवस्था में जिस धर्म का उदय होता है, जीव जब माया के द्वारा बद्ध हो जाता है, उसी समय में जो धर्म उदय होता है उसको कौन सा धर्म कहते हैं, उसको नैमित्तिक धर्म कहते हैं। नैमित्तिक जैसे पानी था लेकिन ठंडा का स्पर्श में आकर क्या बन गया, बर्फ बन गया है, उसी तरह हम थे भगवान के नित्य दास, लेकिन माया के संस्पर्श में आकर के अभी क्या बन गए, माया दास बन गए, कृष्ण दास को छोड़ करके हम माया दास बन गए। बोले नित्य धर्म स्वभाव से ही पूर्ण शुद्ध और सनातन, ये जो नित्य धर्म जीव का ये क्या, बोले स्वाभाविक रूप में ये पूर्ण भी है, ये शुद्ध भी है और ये सनातन है, हैं। कहते नित्य स्वभाव में, लेकिन नैमित्तिक धर्म की अन्य किसी दिन विस्तार पूर्वक व्याख्या करूँगा। कहते इसको तो बताए ये जीव का
नित्य धर्म है, कहते और एक नमित का भी धर्म है, कहते इसको और किसी दिन हम इसको अच्छे तरह से वर्णना करेंगे। कहते यहाँ पर श्रीमद् भागवत शास्त्र में जो विशुद्ध वैष्णव धर्म का परिलिखित होता है वही नित्य धर्म है। कहते ये नित्य धर्म कहाँ पर, कौन सा ग्रंथ में ये नित्य धर्म हमें दिखता है? कहते ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ में ही ये जीव का नित्य धर्म ये भागवत ग्रंथ में ही दिखता है। मतलब किस रूप में, जैसे भागवत में जैसे श्री नारद जी का चरित्र है, नारद जी व्यास देव का अपना चरित्र को बताते हैं, कैसे साधु संघ के द्वारा कैसे हम भगवत भक्ति कैसे मिला, और कैसे हमें जब मैंने गुरु जी का दिया हुआ मंत्र को मैंने जब जप किया, जप करते 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 मेरा जो मन है संपूर्ण रूप में ये संसार से अलग हो गया। अलग होकर के हमने भगवान की एक झांकी को मैंने दर्शन किया, और इतने सुंदर ठाकुर जी हैं, झांकी को मैंने दर्शन करते ही हैं एकदम मैंने विभोर हो गया प्रेम से। लेकिन ठाकुर जी एक झलक दर्शन देकर कहीं अंतर ध्यान हो गए, जब मैंने रोने लग गया, प्रभु दर्शन नहीं देते थे, नहीं देते थे, दर्शन देकर अंतर ध्यान क्यों हो गए? बोले देखो बच्चा, अभिपक् को कसाया नाम दुर्दशाम कुजोगी नाम, अभी तुम्हारे अंदर में अभी तक कच्चा पड़े हैं, अरे आम अभी पूरा रूप में पका ही नहीं, अभी थोड़ा कच्चा है। आम कच्चा अवस्था में कैसे लगता है? खट्टा लगता है ना, लेकिन वही आम जब पक जाती है ना, हैं जितने खट्टा आम होगा जब पकता है ना वो उतना मीठा लगता है, वो उतना ही मीठा लगता है। इसलिए अभी तुम्हारे अंदर में कुछ कसाए हैं, कुछ दोष है, इसलिए केवल तुम्हारी उत्कंठा को बढ़ाने के लिए मैंने दर्शन दिया है। फिर अगले जीवन को तुमको अभय क्या करना पड़ेगा, फिर अगले जीवन में ब्रह्मा की मानस पुत्र होकर के जन्म हुए, और गिरिराज के आश्रय करते हुए जब उन्होंने भजन साधन की हैं, जब हृदय एकदम विशुद्ध सत्व हो गया, भगवान की देवदत्ता एवं बिना स्वर ब्रह्म विभूषित, फिर उन्होंने कहते दिव्य क्रीड़ाया, कहते उनके रासलीला में राधा जुगल सरकार के दर्शन हुआ, और राधा रानी हमें अपना प्रसाद बिना प्रदान की। अरे जब जब मैंने बिना में ठाकुर जी को कीर्तन करता हूँ, कहते ना नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमण नामे हरि नामनि उदित है भक्त गीत सामे नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमण नाम। इसलिए कहते जब जब मैंने राधिका रमण नाम पर बिना में बजाता हूँ तब तक ठाकुर जी सामने प्रकट हो जाते हैं। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। जोर से बोलो, बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। कहते ये जो जीव का जो विशुद्ध धर्म है वो कहाँ पर देखने को मिलता? बोले ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ, इसलिए भागवत को बताया कि भागवत अमल प्रमाणम, इसको अमल प्रमाण पुराण बताया कि भागवत को, उसमें कोई मल नहीं, एकदम प्योर ग्रंथ है ये श्रीमद् भागवत। फिर ध्रुव महाराज की कथा थी, हैं ध्रुव महाराज ने क्या किया, जब उन्होंने तपस्या की, तपस्या करते 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 ओम नमः भगवते वासुदेवा, जब उन्होंने इसी मंत्र को उन्होंने जप किया, क्या हुआ, ठाकुर जी वैकुंठ छोड़ करके ठाकुर जी साक्षात सामने प्रकट हो गए। फिर उनको दर्शन करते हुए उन्होंने जो दिव्य स्तुति की अद्भुत रूप में, इसलिए फिर और किसकी कथा आती है, जिसमें से प्रह्लाद महाराज की कथा आती है, उनका जो सुंदर सुंदर बच्चों को जो सुंदर सुंदर उन्होंने सिखा दिया, मेरे बच्चों के संसार रूपी आसक्ति को छोड़ो, कि संसार किया है गृहांध कुपम। इसलिए कुआ दो तरह का होता है, एक तो होता अंधा कुआ और एक जल युक्त कुआ होता है। कहते अंधा कुआ किसको कहते हैं, बोले जिस संसार में कहीं हरि चर्चा नहीं हो, जिस संसार में कहीं भगवान की कथा भजन की बात, जिस संसार में कुछ नहीं हो, दिन भर कैसे पैसा कमाओ, कैसे खाओ, कैसे पियो, बच्चों को लालन पालन करो, दुनियादारी माया मोह में, कहते ये कौन सा कुआ है, ये सूखा कुआ है, इसमें जहरीले सर्प बिच्छू हैं, मतलब संसार में क्या होता है, कटुक्ति हैं, सास बहू ने सास को गाली दे दिया, सास ने बहू को कटुक्ति बोल दी,
पति पत्नी में लड़ाई हो गई, भाई बंधु में ये सब बिच्छू सांप ये सब के सब हैं, ये सब संसार में। इसलिए कहते हैं ये अंधकार कुआ है, ये अंधकार कुआ ये है, लेकिन एक कुआ में पानी कुआ है। बोले कौन सा संसार कुआ में पानी है? कहते जय दीन गृह भजन देखी गृह ते गोलक भाय। अगर जिस घर में हरी चर्चा हरी सेवा के बगैर और कुछ हो संसार में होता नहीं। खाना प्रसाद खाना बनाओ तो किसके लिए बनाते हो? ठाकुर जी के लिए। झाड़ू लगाए तो कहाँ झाड़ू लगाते हो? बोलो भगवान के मंदिर में। रोज घर में मंगल आरती, ठाकुर का सेवा पूजा, दिन भर ठाकुर जी की भक्ति में। इसलिए कहते जहाँ पर उन्होंने बताया पिताजी अगर जीवन में शांति पाना चाहते हो ये गृह रूपी अंधे कुएं को त्याग करो, हैं ये गृह रूपी अंधा कुआ को त्याग करो। त्याग कर क्या करो? बोले गुरु जी की साधु की शरण में जाओ, वन में जाओ, वृंदावन में जाओ, हरि माश्रय भगवान की चरण को आश्रय ग्रहण करो। और क्या करो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसलिए कहते भागवत में अम्बरीश महाराज कैसे एकादश इंद्रियों को दराज जैसे कृष्ण सेवा करते थे, भरत महाराज कैसे दिव्य उपदेश को प्रदान किया हैं, और विशेष करके ब्रजवासियों का सखाओं की प्रेम, मैया की प्रेम, ब्रज गोपियों की और राधा रानी का जो प्रेम। कहते ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ शास्त्र में कि अगर विशुद्ध वैष्णव धर्म को अगर देखना चाहते हो कौन सा ग्रंथ देखो? कहते ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ को तुम देखो जिसमें जीव की यही विशुद्ध क्या है भागवत धर्म है, ये विशुद्ध भागवत धर्म ये है। कहते वही जीव का यही ही जीव का नित्य धर्म और कोई नित्य धर्म नहीं। इसलिए गुरुदेव कथा सुनाते ना गृहांध कुपम, ये घर कैसे? बोले अंधा कुआ। इसलिए गुरुदेव कथा सुनाते ना बोले एक समय जंगल में कोई व्यक्ति जा रहा था, इतने में एक शेर ने उसको पीछा किया खाने के लिए। अभी वो सोच रहा है कैसे बचूँ कैसे बचूँ, कोई पेड़ ऊपर चढ़ जाओ नहीं तो किसी कुएं में उतर जाओ। अभी क्या किया उसने देखा एक बहुत दिन से एक सूखा कुआ था, उसको ऊपर में पेड़ पौधा पीपल पीपल पेड़ खो गया था। उसने एक टहनिया को पकड़ा, पकड़ करके कुएं को नीचे उतरने लग गया। न नीचे उतरा लेकिन वो था सूखा कुआ, उसमें एक मोटा उसमें एक सर्प जहरीले सर्प रहता था। जब वो व्यक्ति का थोड़ी सी हिंट उसको मिला हैं, उसको क्या उसको आवाज़ मिली, हे सर्प ने फांस करके ऊपर सर्प सर उठाया, उसे नीचे देखा इतने काले मोटा सांप और मेरे तरफ में देख रहा है। उसको देख करके तो छाती धड़फड़ करने लग गया। फिर इधर वो पीपल का टहनिया को पकड़ करके लटक रहा था, इतने में तो शेर आ गया। इधर शेर आ करके सुजोग ढूंढ रहे, इस मौका मिले पंजाब में झपट मार उसको खा लो, ऊपर में शेर और नीचे सांप। अभी जिस टहनिया को पकड़ कर लटक रहा था इतने में वहाँ पर दो तीन बेल थी उसमें चूहे रहते थे, इतने में एक सफ़ेद चूहा और दो एक काले चूहा निकल कर के आ और आ करके जिस टहनिया को पकड़ कर लटक रहा था ना दोनों तरफ में काटना शुरू कर दिया। बोले हे भगवान अगर टहनिया को पकड़ करके थोड़ी समय रह भी जाता लेकिन ये तो चूहे काटना शुरू कर दिया, ये तो अभी अभी गिरा देंगे। इतने में क्या हुआ जिस टहनिया को पकड़ कर लटक रहा था उसमें मधुमक्खी की छत्ता बनी हुई थी, थोड़ी सी हिल गया ना इतने में मधुमक्खी तो उड़ना शुरू कर दिया और उड़ करके चारों तरफ में उसको काटना शुरू कर दिया, उसको चारों तरफ में काट रहे हैं। इतने में देखा वो जो मधुमक्खी का छत्ता था ना वो कभी कभी एक आध बूंद उसमें शहद टपकता था, इतने में उसने अपना जीव को निकाल दिया। बोले क्या आनंद है क्या सुख, वो भूल गया अभी मेरे को नीचे जाऊंगा तो सांप काटेगा, ऊंचे ऊंचा में जाऊंगा तो शेर खा जाएगा, और जिस टहनिया को पकड़ करके रखा उसमें भी सफ़ेद काला चूहा काटना शुरू करके गिरा देंगे, और मधुमक्खी की छत्ता से मधुमक्खी हुई चारों तरफ में हमें काट रहे। कहते इसमें किसकी उदाहरण दिया? कहते ये माया की संसार को उन्होंने उदाहरण दिया। कहती कुएं क्या है? बोले ये संसार घर गृहस्थी ये कुआ है, ये एक अंधकार कुआ है,
उसमें भी सर्प का निवास है। कहते ये सर्प कौन और ऊपर में है ये शेर कौन, बल्कि ये काल। हम सोच रहे हम बढ़ रहे हैं, हम बड़ा हो रहे हैं, कोई बड़े नहीं हो रहे हैं। हम सबके सब दिन प्रतिदिन छोटे होते जा रहे हैं। किसको बोलो भजन करने के लिए, बोले कोई उम्र है भजन करने का? अभी तो हम बचपन बच्चे हैं, अरे लिखाई पढ़ाई करेंगे, नौकरी चाकरी करेंगे, शादीशुदा करेंगे, बच्चे जन्म देंगे, और उनको बच्चों को शादीशुदा करके जब रिटायर लाइफ हो जाएगा एक दो माला सटका लेंगे। अभी से दिया हरी हरी, अभी से भजन किया रात में हैं, इसलिए कहते। लेकिन नहीं, कहते जो शेर है ना, ये काल है, ये हमारी हर पल पल को ये नष्ट कर रहा है। हम कोई बड़े नहीं, हम सब के सब छोटे होते हुए जा रहे हैं। कि जो सर्प शेर ये संसार में हैं, जैसे संसार में तरह तरह का जो दुख कष्ट है, अब जिनके लिए अब करो, जिन बच्चों के लिए अब करते हो, जब बच्चे बड़े हो जाते फिर बात नहीं सुनते हैं, बोले तुम क्या जानते हो, गवार हो, अनपढ़ हो, गवार, तुम क्या जानते हो। संसार में तरह तरह का जो कटु उक्ति है, फिर बहू घर में आ गया तो बात हो गया फिर हैं। एक रात में ऐसे मंत्र देती हैं, दूसरे दिन बेटा का बुद्धि बदल जाती है। ये तरह तरह का क्या है सब के सब, ये संसार में सार्प, ये क्या शेर हमें खाने के लिए आ रहे हैं, परमायु धीरे धीरे हमारी नष्ट होती जा रही है। इतने में जो टहनिया को पकड़ करके लटक रहा था, वो टहनिया किया, बोले कर्म, ये कर्म रूपी टहनिया, ये शरीर हमें क्यों मिला है? पूर्व जन्म में हमने जो कर्म किया वो कर्म को भोगने के लिए इस शरीर भगवान ने हमें दिया है, हैं? लेकिन इस शरीर में टहनिया के पकड़ करके लटक हुए, लेकिन उसमें दो चूहे आ गए। कौन आ गए? एक काला और सफेद। ये कथा को आज बच्चे लोग सुनाना, शाम मैं देखता हूँ कौन सुना पाते हैं, याद रहेगा कि नहीं? ध्यान से सुन नहीं रहे, कैसे याद रहे? इसलिए उन्होंने देखना, शाम को हम देखेंगे तुम क्या कौन बोल पाता है। अभी उसमें काले और सफ़ेद चूहे, कहते ये काला चूहा कौन है? बोले रात। बोले ये सफ़ेद चूहा कौन? बोले दीन। ये क्या कर रहे हैं? हमारी ये कर्म रूपी टहनिया को जो पकड़े हुए उसको काटते जा रहे हैं। मतलब दिन और रात क्या हो रहा है? कहते आयु हरत भई पुंसान उद्दन अस्तंत जनासो। कहते ये सूरज हमारे दिन को नष्ट करते जा रहे हैं, नष्ट करते जा रहे हैं, धीरे धीरे कुतर रहा है, कब गिरा देगा कोई ठीक नहीं। इतने में जो मधुमक्खी की जो है, जो मधुमक्खी जो काट रहे हैं उसको जो चारी तरफ में काटना शुरू कर दिया। बोले ये क्या है? बोले संसार में जो अलग अलग जो दुख कष्ट है, तन से दुखी, मन से दुखी, आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक, ये परिवार का जो दुख कष्ट, यही मधुमक्खी हमें चारों तरफ में काटते हैं। लेकिन उसमें एक आध बूंद जो शहद टपक रहा है, ये क्या है? जिसको एक बूंद को पी करके बास खा करके ये दुख को भूल रहा है। खत जैसे घर में आए, बच्चा ने थोड़ी तोतली तोतली पापा 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 बोल दिया, नहीं तो पत्नी थोड़ी गई थोड़ी मीठी एक बोली बोल दी, फिर ये क्या करता है, हैं? ये क्या कर जीव हैं, जो जीव है, ये जो संसार का इतने सारे दुख है ना, पास उसको भूल जाता है, उसको भूल जाता है। कहते फिर ये माया बीच शास्त्र में बताया तो ये दुख का घर है, संसार को दुखा लय है, लेकिन बोले कारण है, बोले एकदम पूरा दुखी दुखी दे देगा ना, ये सुसाइड कर मर जाएगा। अगर मर जाएगा, ये जो पूर्व जन्म में जो कर्म भोगने के लिए आया, ये फिर पाप को कौन भोग करेगा अगर मर जाएगा? इसलिए उदाहरण दिया, दंड जने राजा तेनो नदी तो चुका। पहले पहले क्या करते थे राजा लोग, जब कोई पाप कर्म करते थे, बोले इसको पानी को अंदर में ले जाओ, गले को पकड़ कर इसको पानी में डुबो। जब पानी में डुबाया करते थे, थोड़ी देर बाद में छटपट 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 मर जाएगा, इतने में थोड़ी सी ऊपर उठा देते हैं। जब ऊपर उठा देता है, उसको क्या लगता है? भैया चैन मिला है, चैन मिला, लेकिन चैन नहीं मिला अभी, बेचैन मिलेगी। क्यों तुमको उठाया? कहते और थोड़ी दूर समय रखते तो मर जाता, मर जाता तो फिर ये जो कर्म का फल तुम भोग नहीं होता, इसलिए थोड़ी सी तुमको ऊपर उठा दिया तो फिर तुमको डुबाएगा। इसलिए जो माया बीच बीच में थोड़ी थोड़ी जो सुख दे रहे हैं, इसलिए सुख दे रहे हैं, नहीं तो तुम सुसाइड करके आदमी मर जाएगा। मर जाएगा तो फिर ये कर्म फल कैसे भोग करेगा, जो कर्म भोगने के लिए हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं, जो कहते श्रीमद् भागवत में जो
जो धर्म के बारे में बताया, जीव का विशुद्ध धर्म के बारे में यहाँ पर बताया। जीव का जो विशुद्ध धर्म है कृष्ण दास्य ही, कृष्ण सेवा ही और राधा दास्य ही, जीव का ही विशुद्ध धर्म, जिसको उद्धव जी ब्रज में आकर के इन्होंने ब्रज गोपियों के चरण की धूल और बंदे नंद ब्रजस्त्री नाम पाद रेणु, तो एक धूल मतलब किसका धूल है, बोले श्री राधा रानी की चरण की एक धूल को उन्होंने प्रार्थना किया, अगर ये मेरे सर पर पड़ जाए मतलब राधा जी की दासत्व अगर हमें मिल जाए जीवन हमारी धन्य हो जाएगा। इसलिए कहते कभी ये कभी जगत में जितने प्रकार के धर्म का प्रचार है वो सभी धर्म को तीन भाग में हम विभक्त कर सकते हैं। जगत में जितने धर्म हैं, जगत में कितने धर्म, बहुत सारे तरह का धर्म है, कभी ये सारे धर्म को हम तीन भाग से विभक्त कर सकते हैं। बता सकते हो तीन धर्म क्या है, बोला क्या है, तीन भाग में उसको हम विभक्त कर सकते हैं। मतलब भक्तिमन ठाकुर ना यहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी बात बताया, इतनी अच्छी अच्छी बात बताया है, इतने प्रश्न और उत्तर, प्रश्न उत्तर दिया। कहते तीन भाग में क्या, कहते एक नित्य धर्म है और एक है नैमित्तिक धर्म है और एक है अनित्य। ये चीज़ को कल पढ़ कर के आना। धर्म को तीन भाग में विभक्त कर सकते जगत में जितना धर्म, कौन सा नित्य नैमित्तिक और अनित्य, ये तीन तरह का, इसको सारे धर्म को हम तीन भाग में विभक्त कर सकते हैं। अभी बता रहे हैं नित्य धर्म किसको कहते हैं, बोले नित्य धर्म उसको कहते हैं बोले जिनके धर्म में ईश्वर की आलोचना नहीं है और आत्मा की नित्यता नहीं है वो सब अनित्य धर्म है। कहते अनित्य धर्म किसको कहते हैं, बोले जिस धर्म में हैं कहते कोई भगवान की बारे में कोई आलोचना नहीं है, ठाकुर के बारे में कोई विवेचना नहीं होता, कहीं भगवान की कथी कथा नहीं है और ईश्वर की कोई आलोचना नहीं, और जो जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, ये आत्मा की जो नित्यता जहाँ पर ये आत्म तत्व के बारे में कहीं विवेचना नहीं होता है और क्या नहीं होता है, कहते केवल अनित्य नहीं है, कहते उसको कौन सा धर्म कहते हैं, उसको अनित्य धर्म, जिसमें ईश्वर और आत्मा की कोई विवेचना नहीं, क्या हो गया अनित्य धर्म हो गया है। कहते जीन धर्म में ईश्वर आत्मा की नित्यत्व स्वीकार किया गया, लेकिन जिसके धर्म में भगवान की और आत्मा की नित्यत्व को जिस धर्म में मानते हैं उसको कौन सा धर्म कहते हैं, कहते ये नित्य धर्म उसको कहते हैं, इसको नित्य धर्म कहते हैं। किंतु कहते और एक रह गया, एक अनित्य हो गया और एक हो गया नित्य, और एक रह गया नैमित्तिक धर्म, कहते ये नैमित्तिक धर्म किसको कहते हैं, किंतु केवल अनित्य उपाय के द्वारा ईश्वर की कृपा लाभ करने की चेष्टा की जाती है वो नैमित्तिक धर्म है, इसको नैमित्तिक धर्म क्या कहते हैं, बोले मतलब क्या हो गया, कि जिसमें जिस धर्म में ईश्वर को मानते भी और आत्मा को भी मानते हैं है? लेकिन क्या है उनका भावना किया, कहते किंतु केवल अनित्य उपाय के द्वारा ईश्वर की कृपा लाभ करने की चेष्टा की जाती है, मानते तो आत्मा को मानते भगवान को, लेकिन अनित्य उपाय के द्वारा भगवान की कृपा पाने को प्राप्त की चेष्टा करते, इसको नैमित्तिक धर्म। जैसे इसी संसार में देखो क्या साधारण लोग क्या बोलेंगे, पिता माता की सेवा ही सर्वश्रेष्ठ है, पिता माता जन्म दिया तुम्हें इसलिए पिता माता की, घर में तो पिता माता की सेवा की नहीं, अरे घर बार छोड़ करके आकर हरी हरी बोलने से हो जाएगा, भगवान तुमको मिल जाएंगे, कुछ ऐसे कहते ना जो बाबा बन करके आ गए, बोले शादी तो किया ही नहीं, संसार का ऋणी कैसे उतारोगे, घर गृहस्थ तो किया ही नहीं, संसार का किसी सेवा किया नहीं, जीव के प्रति दया किया ही नहीं, दुख दरिद्र के ऊपर में तुमने दान दिया ही नहीं, और हरी हरी करोगे भजन करोगे हो जाएगा। वो लोग मानते हैं, भगवान को भी मानते हैं आत्मा को मानते हैं, लेकिन ये अनित्य उपाय के द्वारा क्या चाहते हैं, ये भगवत प्राप्ति हो जाए। इसलिए कहते हैं जीव सेवा करने से तुमको गति मिलेगा क्या, बोले भूतानि जानन्ति भूतेज्या, जीव का सेवा करोगे तो हैं
भूत लोक में जाओगे, हैं भूत लोक मतलब दान पुण्य करोगे फिर इसी संसार में आओगे। उसको भोग जब जैसे टाटा बिरला बड़े बड़े जो पैसा वाले, इनको क्यों इतना पैसा मिला? अगले जीवन में दान पुण्य किया होगा जिसका फल स्वर्ग संसार में आए, और जो दान पुण्य किया था पैसा मिल रहे, लेकिन पाने पर किया होगा, लेकिन जो चार तरह जो सात तरह का जो दुख है ना तुमको छोड़ेगा नहीं, भले ही जितने बड़े पैसा वाले हो जाओ। बल्कि साधारण व्यक्ति को जितना दुख उनको ज़्यादा दुख है। हम तो पैसा कमा कर खाए पिए सो गए रात को, लेकिन उनको नींद नहीं आती है, पैसा की टेंशन, उसको वो पैसा चला गया, वो फैक्ट्री चल नहीं रहा है, दाम उसकी घट गई हैं। लेकिन ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि क्या छोड़ेगा तुमको? ये आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक दुख छोड़ेगा? कुछ भी नहीं छोड़ेगा, बल्कि ज़्यादा ही साधारण मुक्ति से हैं। इसलिए कहते भूता नहीं, और देवादेवी को उपासना करने देव लोग जाओगे, पिता माता सेवा करने से पितृ लोग जाओगे, लेकिन कब तक वहाँ रहोगे? बोले जावत पुण्यम न समापते, जब तक तुम्हारी पुण्य खत्म नहीं होता तब तक रहोगे, पर खत्म होते ना धक्का मार कर ट्रेन गिरा देंगे। इसलिए कहते यहाँ पर ईश्वर को मानते हैं, आत्मा को तो मानते हैं, लेकिन ये अनित्य उपाय के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना चाहते, उसको कौन सा धर्म कहते हैं? इसको कहते हैं नैमित्तिक धर्म कहते हैं, हैं? चेष्टा इसको नैमित्तिक धर्म की जाती है, जिनमें विमल प्रेम को द्वारा कृष्ण दास्य प्राप्त करने का जत्न किया जाता है, वही नित्य धर्म। कहते नित्य धर्म किसको कहते हैं? कहो कल तुम लोग ये तीन चीज को अच्छे तरह से पढ़ कर कहना, ठीक है? नित्य धर्म, नैमित्तिक धर्म और अनित्य धर्म। नित्य धर्म किसको कहते हैं? नैमित्तिक और अनित्य धर्म, ये तीनों चीज को। और जो जो पढ़े हैं कल हम कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे और सुनेंगे, ठीक है? ठीक है, कोशिश करना ये करने के लिए। और तुम लोग होगा तो मैं लिखा दूंगा, ठीक है? उसको लिखा दूंगा, और होगा तो हम आज जेरक्स करेंगे, जेरक्स करके उसमें सब प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर उसको एक एक कॉपी तुमको दे देंगे, उसको ले करके पढ़ना तुम लोग उसको। इसलिए कहते जिस विमल प्रेम के द्वारा क्या होता है, कृष्ण दास्य प्राप्त करने की जत्न किया जाता, कहते भगवत प्राप्ति करने की जिसमें चेष्टा की जाती, किसको द्वारा? विमल प्रेम को द्वारा। इसलिए विमल प्रेम क्या है? कहते सबई पुंसा परो धर्म जत भक्ति रथक सजे, आत्मा को शांति मिलेगा। प्रश्न किया ना सौनगा ऋषियों ने, कैसे मिलेगी? मतलब जीव मात्र का यही परम धर्म है भगवान कृष्ण को विशुद्ध रूप में बिना कामना वासना और निरंतर जमयी प्रेम भगवान प्रति करनी चाहिए, इसमें ही आत्मा को शांति मिलेगी, नहीं तो आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इसलिए वो नित्य धर्म कहते विमल प्रेम कृष्ण दास से प्राप्त करने का जो जत्न किया जाता है वही जीव का नित्य धर्म। नित्य धर्म देश जाति तथा भाषा भेद में पृथक पृथक नाम से परिचित होने पर भी वो एक परम उपाध्याय। कहते क्या देखना, जो नित्य धर्म है जैसे जाति है, अलग अलग हमारे देश में जाति, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जाति, हाँ तथा भाषा भेद में अलग अलग भाषा है, उड़ीसा भाषा, यहाँ हिंदी भाषा, कहीं बंगला भाषा, कहीं आसामी भाषा हैं, अलग अलग भाषा है। कत भाषा से पृथक पृथक नाम से परिचित होने पर भी वो परम उपाध्याय हैं। कहते अलग अलग भाषा भेद से और जाति भेद से अलग अलग दिखता है, लेकिन क्या है, वो एक ही है, परिचित होने पर भी वो एक परम उपाध्याय है। भारत में जो वैष्णव धर्म प्रचलित है वही धर्म का आदर्श है। धर्म तो जगत में बहुत, आप देखना हमारे कितने तरह तरह का धर्म, बौद्ध धर्म, मुसलमान धर्म, क्रिश्चियन धर्म, और कौन सा धर्म बोलो, जैन धर्म, ईसाई धर्म, कितने तरह तरह के धर्म हैं। लेकिन यहाँ पर कहते हैं भारत में जो वैष्णव धर्म प्रचलित है, कहते उसी में ही जीव का नित्य धर्म केवल ये वैष्णव धर्म है, और किसी धर्म में ये नित्य है ही नहीं, ये हैं किसी धर्म में, क्योंकि वहाँ पर आत्मा और भगवान से कोई संबंध नहीं। जैसे मुसलमान लोग वो निराकार को मानते हैं, कोई आकार नहीं, और उल्टा पुल्टा गोमांस गैया को काट कर खाते खाते हैं, हैं? जो माता हैं उनको ही काट काट कर खाते हैं, और जो दूसरे दूसरे धर्म हैं, क्रिश्चियन धर्म को देखो, वो भी वही निराकार
उनका मंदिर में जब कोई भगवान भगवान कोई मिलेंगे, उनको कोई भगवान नहीं मिलेंगे। और कोई धर्म में जाओ, हैं, जैन धर्म का मंदिर में क्या है, कौन सा देवता है, और कौन सा भगवान। इसलिए सब अलग देखना, अलग अलग सब, अलग अलग सब ये अलग धर्म में कहते, ये जितने धर्म है ना, हैं, ये सनातन धर्म नहीं है, ये बाद में विकृत हो करके, जैसे मुसलमान धर्म 1500 साल पहले कोई मुसलमान नहीं थे, जैसे क्रिश्चियन धर्म अभी कितना चल रहा है, 2021 ना, तो 2021 से पहले ये धर्म था ही नहीं। कोई भी आप धर्म देखोगे, कोई भी धर्म को वो कुछ दिन पहले ये धर्म सृष्टि हुआ, और जो जन्म लेगा वो मरेगा ही, जो जन्म लेगा मरेगा। ये धर्म सृष्टि हुई है, लेकिन एक दिन ये खत्म हो जाएगा, जब पूरा खत्म हो जाएगा ना, फिर जब आएगा, फिर भगवान आ करके, फिर वही भागवत धर्म, फिर ये वैष्णव धर्म, जीव का नित्य धर्म को फिर भगवान आकर स्थापन करेंगे। फिर जगत में जैसे रामानुज मध्व विष्णु स्वाम निम्बार्क आए, फिर जगत में ये विशुद्ध धर्म को प्रचार किया, फिर दोबारा जगत में प्रचार होगा, जगत में प्रसार होगा फिर। इसलिए यहाँ पर कहते ये भारत में जो वैष्णव धर्म प्रचलित है वही जीव का आदर्श, वही धर्म है। फिर हमारे हृदयनाथ भगवान श्री सच्चिदानंद ने जगत को जिस धर्म की शिक्षा दी वही वैष्णव धर्म की विमल अवस्था। जो चैतन्य महाप्रभु आकर के फिर पुनः भगवान कहते ना, जदा जदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम धर्म सतदात्मान सृजाम्यहं। भगवान खुद कहते हैं मैं युग युग में अवतीर्ण होकर के मैं जगत में ये धर्म को पुनः स्थापन करता हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु आकर के उनने कोई नया धर्म को नहीं बताए, हैं, हमारी धर्म नहीं, भागवत जो कहता है, वेद जो बताया, पुराण जो बताया, उपनिषद जो बताया, जो धर्म बताया, कहते पुनः उसी धर्म को जगत में लोगों को पुनः जगत में ला करके स्थापन किया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जैसे राय रामानंद को प्रश्न किया, कह राय साधर निर्णय, लेकिन उन्होंने बंगला आखिर में बोले नहीं, शास्त्र क्या बोलता है, तुम जो बोल रहे हो क्या किसी शास्त्र में क्या है, ना तुम अपना मनमानी ढंग से बोल रहे हो, हम बोल रहे हैं, तेरा क्या महत्व है, गीता क्या कहता है, रामायण क्या कहता है, भागवत क्या कहता है, हमारे वेद क्या कहता है, उसको बताओ ना। इसलिए उन्होंने कोई नई धर्म को आकर के बोले नहीं, उन्होंने पहले जो धर्म को स्थापन करके गए, फिर महाप्रभु आकर के पुनः उसी धर्म को ही महाप्रभु फिर जगत में जगत को शिक्षा दिया। इसलिए वही वैष्णव धर्म की विमल अवस्था, वही वैष्णव धर्म की शुद्ध अवस्था होने का कारण प्रेमानंदी महापुरुषगण उसको स्वीकार करते हैं और उसी की आश्रय लेते हैं। इसलिए जो शुद्ध, जो प्रेमानंद, जो महापुरुष लोग हैं, जो भक्त लोग आकर क्या करते हैं, वही श्री सनातन धर्म को, भागवत धर्म को, गीता को, रामायण को, फिर उन्हीं को ही आश्रय ग्रहण करते हुए फिर जगत में भगवान की भक्ति और भगवान की जगत में भजन करते हैं। इसलिए बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल की जय। दावा नाला समा संसार दद्ध जीव कुला उधार कारणी करुणा वारी द कृपा वारी दानी बंद से गुरु चरण कमल नृत्य गीत वाज श्री हरि कीर्तने रहे नाम गना महामारे रोमांच गंपासु हरे गौर प्रेम बंदिते गुरु चरण कमल सदा रतजनी विग्रह सेवनी लिंगराजिया मंदिर मार्जनी करिणानी युक्त अनुगत जनी बंदिते गुरु चरण कमल
Thank you.
Oh,
Oh.
जय जय हरि नाम गालो जाप गालो ना मैं वो गाले नहीं कोई हिंदी भजन की गाल पड़े हो गा हिंदी भजन की गाल Thank you.
Thank you.
माला लिया, माला ला करके आधा घंटा तक, तो आज मेरा अपना सेवा।